काजी साहब पंडित दीनानाथ का बेटा राहुल और बहू सोनम इस्लामपुर में रहने आ गए हैं। अब वो पंडित के साथ इस्लामपुर में ही रहेंगे। मुस्लिम आतंकवादियों ने इसके परिवार को जान से मार दिया, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली और इसको यहाँ लेके चला आया। इस्लामपुर में आप इकलौते काफिर। यहाँ के लोग काफिर काफिर कहकर हर समय जलील करते हैं। ये पाकिस्तान का माहौल हम हिंदुओं के रहने लायक नहीं है। देखो पंडित, अगर 3 दिन के अंदर तुमने इस्लाम कबूल नहीं कर लिया तो बाखुदा सूरी पे चढ़वा दूंगा मैं। सूर रहम, चला जाए यहाँ से। कादी साहब का कहना मान लीजिए, इसके अलावा तुम्हारे और तुम्हारे घराने के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम अपना धर्म कैसे छोड़ सकते हैं? काफिरों की जिंदगी छोड़ो दीनानाथ, अल्लाह तुम्हें अपने नेक बंदों में शामिल करेगा। मैं हिंदू ही रहने थे। पंडित का लौंडा और बहू अभी भी जिंदा? उन हरामजादे काफिरों को पकड़ के लाया। आज तक काई साहब से बचकर कोई भाग नहीं पाया है। धर्म के नाम पर मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। काजी उमर शेख और उनकी बेगम बद किरदार आयशा कुछ ज्यादा ही बेरहम हो गए। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ। तेरा अल्लाह जो जमीन पर अनाज उगाता है क्यों सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है? अल्लाह तुझे सही रास्ते पर आने का मौका दे रहा। तेरे अल्लाह ने खुदा की नेमत पर किसी मुसलमान का ठप्पा नहीं लगाया। सारी दुनिया में पाकिस्तान से खूबसूरत मुल्क कोई दूसरा है नहीं। अब तो 9वां महीना भी आ चुका है, हिंदुस्तान जाने का कोई रास्ता बताइए।